नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। ऐतिहासिक मौके पर आपकी हाजिरी कई बार नए अनुभव देती है। वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन शर्मा के साथ ऐसा ही हुआ है। अर्जुन शर्मा ने जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान अपने अनुभव साझा किए हैं। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म कर दी है। 370 के खंड ए को छोड़कर बाकी सभी खंडों को समाप्त करने का ऐलान किया गया है। सीमा से लगे इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के स्टेटस में परिवर्तन से एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को अर्जुन शर्मा जम्मू संभाग के एक धार्मिक स्थान बाबा जित्तोमल बुआ कोडी जी के समाधि स्थल झीड़ी में थे, जब 30 अक्टूबर को वह अपने दो साथियों के साथ जलंधर से जम्मू के लिए दोपहर लगभग 1 बजे ट्रेन से रवाना हो रहे थे। तो उनके मन में एक कौतूहल था कि कल यानी 31 अक्टूबर को उनकी वापसी है। इसी 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के व इस क्षेत्र को केंद्रीय शासित प्रदेश बनाए जाने का कर्मकांड निर्धारित था। क्या वह कल वापस निर्धारित शेड्यूल के अनुसार लौट आएंगे? इस परिवर्तन दिवस पर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? जो भी हो, उनका मन एक ऐतिहासिक मौके पर उस प्रदेश में प्रवास करने व वहां की फीलिंग को समझने के लिए मचल रहा था। शाम 5 बजे वह जम्मू पहुंचे व वहां से आगे की यात्रा कर शाम 7 बजे के आसपास झीड़ी में थे। वहां बाबा बुआ जी के स्थान पर काफी रौनक थी, क्योंकि 12 नवंबर को वहां वार्षिक मेला हो रहा है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग आया करते हैं। वहां के मुख्य पुरोहित बाबा मंगा जी व पुजारी अमित केसर तैयारियों में लगे थे। तभी पत्रकार अर्जुन शर्मा ने आशंकावश पूछा कि कल क्या होगा। बाबा मंगा जी ने हंसते हुए कहा कि बाबा जी के स्थान पर बैठे हो, चिंता ना करो। पर उनका प्रश्न पूरे राज्य में होने वाले परिवर्तन को लेकर था। ऐसा नहीं कि ये सवाल अकेले अर्जुन शर्मा के मन में ही था, वहां कई लोग इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे। आरती के उपरांत वहां करीब 40-50 मुस्लिम समुदाय के लोग, जो अपने पहनावे से जम्मू कश्मीर के ग्रामीण दिखाई पड़ रहे थे, वहां आए। बाबा मंगा जी ने उन्हें ऊपर बड़े हॉल में जाने को कहा। वो कंबल दरी के इंतजाम में जुट गए। उसके बाद लगभग 80 लोग और आए। अर्जुन शर्मा के लिए ये देखना अचंभे से भरा था कि वे दरिया व कंबल लेकर समाधि स्थल वाले मंदिर के बिल्कुल बाहर बने शेड के नीचे आराम करने के लिए लेटने लगे। उनके मन में सवाल था कि क्या मुस्लिम लोग मंदिर में जाया करते हैं? अर्जुन शर्मा का अनुभव था कि नहीं, पर वह उस समय यह सब अपनी आंखों से देख रहे। कई बार समझदार होना कुछ ज्यादा ही आशंकित कर दिया करता है। अर्जुन शर्मा व कमोवेश उनके साथ गए हुए उनके साथियों के मन में भी आशंका थी। वह जम्मू कश्मीर में थे। अगले कल वहां का स्टेटस बदल रहा था, जिसका मुस्लिम समुदाय में विरोध था कहीं। अर्जुन शर्मा ने फिर मंगा बाबा से पूछा तो उनका कहना था कि कोई बात नहीं, ये डोडा भरद्वाह से आए भाजपा कार्यकर्ता है, जिन्होंने कल सवेरे यहाँ एक समारोह में शिरकत करनी है। अभी अर्जुन शर्मा के मन में यह सवाल ही निरुत्तर था कि सवेरे क्या होगा, क्या जम्मू में कर्फ्यू जैसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी? ऊपर से नए हालात दिख रहे थे। उनके साथ न्यूज हंट अखबार के मालिक रमन वर्मा व बेहद काबिल MBBS डॉक्टर VP बहल थे। वे तीनों एक गेस्ट हाउस में विश्राम के लिए गए। रात को कुत्तों के सामूहिक भौंकने की आवाजें सुनते हुए वह अपने तरीके से सुबह के संभावित हालात पर तबसरा कर रहे थे। सबका निर्णय यह हुआ कि सवेरे हालात का जायजा लेकर जल्द ही निकल जाएंगे। पर सवेरे जब मंदिर में पहुंचे तो वहां शांति थी। भाजपा के मुस्लिम कार्यकर्ता अपने समारोह में जा चुके थे, वहां उनके लिए लंगर पकाया जा रहा था। अर्जुन शर्मा व उनके दोस्तों के आशंका के बादल छट चुके थे, जनजीवन सामान्य था। वह सब वहां से दोपहर 2 बजे निकले व बिना किसी तकलीफ के जम्मू पहुंच गए। जब रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो लिया तो अर्जुन शर्मा ने ऑटो चालक से सवाल किया कि बदलाव का क्या अर्थ निकालते हैं। तभी अर्जुन शर्मा के दोनों साथी जोर से हंस दिए।
शायद वे रात के समय अर्जुन शर्मा की मानसिकता व सवेरे से रही शांति के बाद उनके सवाल को बेफजूल समझ रहे थे। ओजो वाले का जवाब था, आज जम्मू यूपी बिहार बन गया है। उनका मतलब था कि यूपी बिहार वाले आकर इस शहर में रहेंगे और हमारा कल्चर बिगाड़ देंगे। पर उनसे साथ में यह भी कहा, यदि यह धारा ना टूटती तो जम्मू तो खाली हो जाना था। अर्जुन शर्मा उसके अर्थ को समझने की कोशिश करता रहे। उनसे फिर से यही कहा कि कश्मीर के शरारती बाज नहीं आएंगे। इस पर अर्जुन शर्मा का जवाब था कि यदि जम्मू के लोग बंदे के पुत्रों की तरह रहते हैं तो उनके तकलीफ भी तो नहीं है। जो शरारत करेंगे सख्ती भी झेलेंगे और जूते भी खाएंगे।